हे उस गाइस, वेलकम बैक अगेन वीडियो। एंड गाइस, इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसा फ्रूस्टी ब्लू कलर टोन कैसे लेकर आ सकते फोटो में। सो गाइस, जो आपको स्क्रीन में फोटो दिख रही है ना, इसमें जो कलर टोन आ रहा है काफ़ी अमेजिंग है। और बिफोर आफ्टर आप देख सकते हो स्क्रीन में वैसे ही है, फोटो कैसे चेंज हो रही है अमेजिंग तरीके से। और गाइस, आज की वीडियो में आपको बताऊँ कैसे आप इस तरह की फोटो अपने एडिट कर सकते हो। और इसके लिए मैंने इस वीडियो में आपको एक लाइटरूम का प्रीसेट दे रखा, लेकिन उस प्रीसेट में पासवर्ड लगा गया, ठीक है। अगर उस प्रीसेट को डाउनलोड करोगे सब कुछ एक पासवर्ड, एंड वो पासवर्ड मैंने वीडियो के बीच में बता रखा गया, ठीक है। तो इसलिए वीडियो पूरा लास्ट देखिए, अगर वीडियो को स्किप कर दोगे आपको पासवर्ड नहीं मिलेगा और आप प्रीसेट को डाउनलोड नहीं कर पाओगे। तो वीडियो को लास्ट देखिए। और गाइस, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए सबसे पहले, एंड इसको चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए कि आपके अंदर जैसी है। और यहाँ पे ऑल फोटोज़ में मैंने कुछ फोटो ऑलरेडी इंपोर्ट करके ऐसी है, और इन फोटो को एडिट करके दिखाऊंगा ऐसी है। तो इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले लाइट रूम का प्रीसेट, तो प्रीसेट को इंपोर्ट कर लेंगे। प्लस वाला आइकन में क्लिक किया मैंने, एंड यहाँ से इस प्रीसेट को इंपोर्ट कर लेगा ऐसी है। तो यहाँ पे प्रीसेट लोड ले रहा है ऐसी है, तो यहाँ पे प्रीसेट को आने देंगे। यहाँ पे तो प्रीसेट आ चुका है हमारे स्क्रीन में एज यू कैन सी। और इस प्रीसेट में पासवर्ड लगा गया, ठीक है। अगर इस प्रीसेट को डाउनलोड करोगे आपको चाहिए पासवर्ड, मैं पासवर्ड आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। तो इसलिए वीडियो लास्ट देखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रीसेट की सेटिंग कॉपी करेंगे, थ्री डॉट क्लिक कर लीजिए, कॉपी सेटिंग करेंगे, टिक करेंगे एंड बैक पे जाएंगे, ठीक है। एंड उसके बाद हमें अगर अपनी फोटो लेनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से इस फोटो लेता हूँ, ठीक है, तो मैंने इस फोटो को ले लिया, ठीक है। एंड यहाँ पे प्रीसेट को पेस्ट करूँगा, तो प्रीसेट को पेस्ट करने के लिए थ्री डॉट क्लिक करना है, पेस्ट सेटिंग है, ठीक है। फोटो में अमेजिंग कलर ऑन आ चुका है, बिफोर एंड आफ्टर आप स्क्रीन में देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं इस फोटो लेता हूँ, ठीक है, थ्री डॉट क्लिक किया मैंने, पेस्ट सेटिंग है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, एक क्लिक में फोटो काफ़ी अमेजिंग तरीके से एडिट हुई है। और गाइस, ये प्रीसेट काफ़ी यूनिक है और काफ़ी ऑसम प्रीसेट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, प्रीसेट में काम कर चुका है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको इसमें थोड़ी सी चेंजेस करने प्रीसेट में, उसके लिए आपको कहाँ जाना है, यहाँ पे इस लाइट वाले कलर पे जाना है, ऐसे यहाँ पे, एंड यहाँ से कर्व वाले ऑप्शन में क्लिक करना आपको। एंड यहाँ से देख लीजिए, एक लाइनिंग आ चुकी है बीच में, और यहाँ पे साइड में कई सारे कलर्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है सिंपली जो लास्ट कलर दिखा, ब्लू, ब्लू पे क्लिक करना है, ठीक है। एंड ऊपर से आपको क्या करना है, इस लाइन को नीचे की तरफ करना है, ठीक है। नीचे की तरफ करूँगा तो गाइस देख लीजिए, फोटो में एक येलो टोन आ रही है, ठीक है, और फोटो और भी अमेजिंग दिख रही है, ठीक है। ये देख लीजिए, पहले फोटो ऐसी ब्लू सी थी, ऐसी मैं थोड़ा लाइन नीचे कर ली ना, ये देख लीजिए फोटो में और भी एक येलो टोन आ रही है और फोटो और भी अमेजिंग दिख रही है। और यहाँ से उसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर इस व्हाइट वाले कलर पे जाना है, ठीक है। एंड यहाँ से आपको थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा देनी है, ठीक है। तो ऊपर से आपको फिर से इस लाइन को बिंदु जो पॉइंट है इसको टैप करना है, ठीक है। इस टैप करने के बाद उसको हल्का सा ऊपर की तरफ करना है, हल्का सा ऊपर करना है। और अब देख लीजिए फोटो यार, काफ़ी अमेजिंग दिख रही है फोटो, ठीक है। ये देख लीजिए बिफोर एंड आफ्टर, और यहाँ पे इस फोटो को देख लीजिए और इस फोटो को देख लीजिए, डिफरेंट दिख रहा होगा, ठीक है। ये देख लीजिए फोटो और ये वाली फोटो देख लीजिए, ठीक है। इसमें एक येलो टोन आ रही है, फोटो अमेजिंग दिख रही है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रीसेट को डाउन करना है, ठीक है। प्रीसेट में जो पासवर्ड है वो पासवर्ड है 1020, ठीक है, 1020 एंटर करना है। उसके बाद ये प्रीसेट आपकी गैलरी में डाउन हो जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रीसेट को पेस्ट करना है अपनी फोटो में, एंड उसके बाद कलर में जाकर कर्व टूल को यूज़ करना है और येलो टोन लेकर आनी फोटो में, उसके बाद आपकी फोटो और भी अमेजिंग लगने वाली है, ठीक है। ये देख लीजिए, तो इस तरीके से आप अमेजिंग फोटो एडिट कर सकते हो, ठीक है। और आई होप आपको वीडियो